उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बुधवार को जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, वहीं आज सूबे के ऊर्जा मंत्री और मुजफ्फरनगर के प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर ने भी मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पहुंचकर जनपद के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस दौरान 10वीं और 12वीं क्लास के 21 छात्र छात्राओं को मंत्री सोमेंद्र तोमर द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान भीषण गर्मी में बिजली पावर डिस्टर्ब के सवाल को जब मीडिया द्वारा मंत्री सोमेंद्र तोमर से किया गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में आज तक की जितनी बिजली सप्लाई हम लोगों ने की है उतनी सप्लाई किसी और सरकार में नहीं हुई। मंत्री सोमेंद्र तोमर की माने तो लगभग 28,000 मेगावाट की बिजली ऊर्जा विभाग सप्लाई कर रहा है। उन्होंने कहा कि कहीं जो समस्या आ रही है उसका निस्तारण भी लगातार कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में लखनऊ में 141 बच्चों को सम्मानित किया गया है, यहाँ हम लोगों ने भी 21 बच्चों को सम्मानित किया है। 10वीं और इंटर क्लास के बच्चों को सम्मानित किया गया है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन गुरुओं ने इन बच्चों को शिक्षा दी है उनके आशीर्वाद से और भी आगे बढ़े ये कामना की गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश के उससे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जिन प्रतिभाओं ने मेधावी छात्र के रूप में स्थान प्राप्त किया उन सभी बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। प्रदेश के सुच्चे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रदेश में लखनऊ में 141 बच्चों को सम्मानित किया है, यहाँ हम लोगों ने 21 बच्चों को सम्मानित किया है जो 10th और इंटर क्लास के हैं। हम उन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और वो गुरु जिन्होंने इन बच्चों को शिक्षा दी है उनके आशीर्वाद से ये बच्चे आगे बढ़ें, यही हमारी शुभकामना है। मंत्री जी, अभी गर्मी की स्टार्टिंग हो गया है, बिजली विभाग बिल्कुल फेल नजर आ रहा है, घंटों घंटों लाइटें भागी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश के इतिहास में आज तक की जितनी सप्लाई हम लोगों ने की अभी तक नहीं हुई है। लगभग 28,000 मेगावाट बिजली ऊर्जा विभाग सप्लाई कर रहा है, कहीं कुछ समस्याएं आ रही है उन्हें हम लोग दिखवा रहे हैं। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।